जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम कुमार और आपका अपने YouTube चैनल प्रेम फिटनेस क्लब पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 रनिंग को इम्प्रूवमेंट करने वाली 10 एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें करके आप अपना स्टेमिना इंक्रीज कर सकते हो, आप अपनी सांस को यानी कि जो आपका सांस फूलता है उसे मेंटेन कर सकते हो। अगर आपके अंदर स्पीड नहीं आ रहा है तो आपके अंदर स्पीड भी आने लगेगा, और अगर आपका टाइमिंग नहीं टूट रहा है तो आपका टाइमिंग भी टूटने लगेगा। तो दोस्तों इन एक्सरसाइज को आप रोजाना रनिंग के बाद परफॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नंबर वन एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, जंपिंग जैक, जैसा कि आपको ये करके दिखा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैसे ये वार्म अप एक्सरसाइज है। रनिंग करते समय अगर आपकी बॉडी थक जाती है, सांस बहुत ज्यादा फूलता है, अगर आपका बॉडी हीट नहीं हो रहा यानी गर्म नहीं हो रहा रनिंग को करने के लिए, तो दोस्तों नंबर वन एक्सरसाइज आप जंपिंग जैक कर सकते हो, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये फुल बॉडी वर्कआउट है। दोस्तों जो भाई वजन को कम करना चाहते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इसको रनिंग से पहले या रनिंग के बाद करते हो तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस एक्सरसाइज के आपको 30 सेकंड के 3 से 4 सेट करने हैं। दोस्तों नंबर दो एक्सरसाइज है हैनी, जैसा कि आपको ये करके दिखा रहा है। दोस्तों इस एक्सरसाइज को करते समय आपकी जो बॉडी है स्ट्रेट रहनी चाहिए, आपको सामने की तरफ देखना है, आपको अपने हाथों को ज्यादा खोलना भी नहीं है और ना ज्यादा चिपकाना है, कुछ इस तरीके से इस एक्सरसाइज को करना है। और इस एक्सरसाइज को करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पैर आगे से फैले हुए नहीं होने चाहिए। दोस्तों इस एक्सरसाइज से आपका बॉडी पोस्चर सुधरेगा, हैंड मूवमेंट सुधरेगा, पैरों का एंगल सुधरेगा, साथ ही साथ आपका रनिंग में स्पीड नहीं आता है तो बेहतरीन स्पीड आने लगेगा। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को आप 30 सेकंड के 3 से 4 सेट में परफॉर्म कर सकते हो। एक बार साइड से भी करके दिखा दे। दोस्तों इस तरीके से आपका बॉडी पोस्चर होना चाहिए, आपको पंजे पंजे पे इस एक्सरसाइज को करना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। दोस्तों नंबर तीन एक्सरसाइज है शटल रनिंग, जैसा कि आपको ये करके दिखा रहा है। कुछ इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। 15 मीटर के दायरे में या 10 मीटर के दायरे में आपको दो कौन लेने हैं या कौन नहीं है तो आप ईट भी ले सकते हो, कुछ इस तरीके से रख सकते हो। फास्ट टू फास्ट आपको टच करना है। इस एक्सरसाइज से आपका रनिंग में स्टेमिना बनेगा। रनिंग करते समय अगर आपका सांस फूलता है तो आपका सांस भी बन जाएगा। रनिंग करते समय अगर आपका स्पीड नहीं आता है तो आपका स्पीड भी आने लगेगा। तो दोस्तों आपको इस एक्सरसाइज को करना किस तरीके से, आपको 10 बार इसको टच करना है, 10 बार उसको टच करना है, कुछ इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज के 3 सेट करने, आपका रनिंग में बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। दोस्तों नंबर चार एक्सरसाइज है बर्पी जंप, जैसा कि आपको ये करके दिखा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रनिंग करते समय अगर आपका हाथ भर जाता है, स्टेमिना बहुत ही कम है, तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को आप जरूर अपने वर्कआउट में ऐड करें। साथ ही साथ ही आपके फैट को भी मेंटेन करता है, यानी कि वेट को भी मेंटेन करता है, एक्स्ट्रा चर्बी को भी जड़ से खत्म करता है। तो दोस्तों अगर आप अपनी रनिंग में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो, तेज दौड़ना चाहते हो, स्टेमिना को इंक्रीज करना चाहते हो, तो इस एक्सरसाइज के आपको 10-10 के 3 सेट करने, आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। दोस्तों नंबर पांच एक्सरसाइज है क्रॉस लंजेस, जैसा कि आपको ये करके दिखा रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, रनिंग करते समय अगर आपका पैर भर जाता है, पैरों में दर्द होने लगता है, दोस्तों आप इस एक्सरसाइज को करते हो तो आपका प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, रनिंग करते समय अगर आपकी थाई भर जाती है, लेग बहुत ज्यादा कमजोर है, तो इस एक्सरसाइज के आपको 10-10 के 12-12 के 3 सेट करने, आपको बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। दोस्तों नंबर छह एक्सरसाइज है जंप स्क्वाट, जैसा कि आपको ये करके दिखा रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, रनिंग में अगर आपको स्पीड को बढ़ाना है, घोड़े की तरह आपको दौड़ना है, तो आपके पैरों में जान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस एक्सरसाइज को अगर आप करते हो, 10-10 के 3 से 4 सेट करते हो, तो आपके पैरों में जान आ जाएगा, आपके पैर नहीं भरेंगे, और आपको जब आप फिनिशिंग में जाते हो तो आप बोलते हो कि दौड़ते समय हमारी थाई ब्लॉक हो जाती है, पैर ब्लॉक हो जाते हैं। दोस्तों इस एक्सरसाइज को अगर आप 10-10 के 3 सेट में परफॉर्म करते हो तो ये सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी, आपका टाइमिंग भी टूटने लगेगा, आपका रनिंग में स्पीड भी बढ़ेगा, आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को आपको जरूर करना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। दोस्तों नंबर सात एक्सरसाइज है आपके शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके आर्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, साथ ही साथ आपका हैंड मूवमेंट खराब चलता है या रनिंग करते समय अगर आपका हाथ भर जाता है, अपर बॉडी भर जाती है, तो इस एक्सरसाइज को आपको जरूर करना है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पुशअप पोजीशन में आ जाना है, कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से करना है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, खड़ा हो जा, इस तरीके से आपको 10 करना है। 10 करने के बाद एक पैर आपको आगे निकालना है, कुछ इस तरीके से, और हैंड मूवमेंट करना है, फास्ट करना है। और मैं आपको बता दूं, हैंड मूवमेंट करते समय आपको ये भी फोकस करना है कि मेरे हाथ ज्यादा टाइट नहीं चलने चाहिए। आपको रनिंग में अगर अपने हाथों को रिलैक्स चलाना है तो इस एक्सरसाइज को करने के बाद भी आपको हाथों को रिलैक्स चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट करने, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। दोस्तों नंबर 8 में, नंबर 9 में, नंबर 10 में हम बात करेंगे पेट को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। दोस्तों हमने आपको
हाथों की एक्सरसाइज को बता दिया, रनिंग में स्टेमिना बढ़ाने वाली एक्सरसाइज को बता दिया, पैरों की पावर को कैसे बढ़ाएं ये भी आपको बता दिया। लेकिन दोस्तों आपको तेज दौड़ने के लिए आपके पेट में भी जान होना बहुत जरूरी है, ताकि आपका पेट स्ट्रांग बना रहे, रनिंग करते समय आपका जो फिनिशिंग पॉइंट होता है वो भी स्ट्रांग बना रहे, इसी के साथ साथ आपका पेट स्ट्रांग बना रहे। इसके लिए मैं आपको सबसे पहली एक्सरसाइज बताता हूँ, सिटअप। जैसा कि आपको ये करके दिखा रहा है, आपको रनिंग को करने के बाद 25-25 के, 20-20 के, 33 के आपको 3 से 4 सेट करने हैं। ये हमारी 8वीं एक्सरसाइज है। इसके बाद हम 9वीं एक्सरसाइज की बात करें तो आपको फ्लूटर किक करना है। चल इस टाइप से पैर हाथों को नीचे दबा लेना है, पैर आपके सीधे रहनी चाहिए, थोड़ा सा गर्दन आपकी उठी रहनी चाहिए, आपको इस तरीके से करना है। और 33 सेकंड के, 45-45 सेकंड के और 1 मिनट के आपको 3 से 4 सेट करने हैं। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज में हम बात करें, यानी कि नंबर 10 एक्सरसाइज में हम बात करते हैं प्लैंक एक्सरसाइज। चलो करके दिखाओ दोस्तों। इस एक्सरसाइज को अगर आप रोजाना 30 सेकंड करते हो तो आपका बॉडी पोस्चर सुधर जाएगा। इसी के साथ साथ आपकी कमर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, रनिंग करते समय हाथ बढ़ जाते हैं, तो ये सारी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को करते समय आपका जो बॉडी है बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रहना चाहिए, आपको सामने की तरफ देखना है। दोस्तों इस एक्सरसाइज के आपको 33 सेकंड के 3 से 4 सेट करने हैं रनिंग को फिनिश करने के बाद। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो में बताई गई सभी एक्सरसाइज को अगर आप रोजाना फॉलो करते हो तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मथुरा के राया में हमारी एकेडमी है, हेल्पलाइन नंबर हमने नीचे दे रखा है, अगर आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भाई एकेडमी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, यानी कि किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने व्हाट्सएप पे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखा है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और अच्छा लेकर। जय हिंद।